नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। अब खबरें अन्य राज्यों से। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ पुलिस ने डुप्लीकेट बीड़ी बनाने के खिलाफ छापमार कार्यवाही करते हुए एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस की कार्यवाही में सामने आया कि आरोपी रविंद्र साकरे ब्रांडेड कंपनियों जैसे गोला बीड़ी और मनोहर बीड़ी के नाम से नकली बीड़ी पैक कर बाजार में सस्ते दामों पर बेचता था। डोंगरगढ़ थाना प्रभारी के अनुसार प्रार्थी जतिन मिराने की शिकायत पर दंतेश्वरी पारा इलाके में छापा मारा गया। कार्यवाही के दौरान आरोपी के पास से गोला बीड़ी के रैपर, मनोहर बीड़ी लेवल और बीड़ी बनाने का अन्य सामान जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास बीड़ी बनाने का कोई वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। इस मामले में आरोपी रविंद्र साकरे के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गई है। राजनांदगांव से कामेश्वर प्रसाद साहू की रिपोर्ट। आज डोंगर थाना पहुंचा, क्या है पूरा मामला? हमको यहाँ पे जानकारी मिली थी कि यहाँ पे नकली गोला बीड़ी बन रही है और उसके शक के बिना पे हमने यहाँ पे आवेदन दिया। पहले हमने कुछ इंक्वायरी की कहाँ बन रही, कैसी बन रही है, और हमको जब शक हुआ, जब कि पता चला कि देवेंद्र साकरे नाम का आदमी बना रहा है, तो फिर हमने यहाँ पे थाने में आवेदन दिया और उसके बाद जो यहाँ की पुलिस है उसने हमारी मदद की, पीआई साहब ने, और फिर वहाँ पर हमने रेड मारी और वहाँ से हमें काफ़ी मात्रा में बहुत सारी बीड़ियों के डुप्लीकेट रैपर और बीड़ियाँ मिली। क्या लगता है कितने सालों से चल रहा होगा ये? काफ़ी सालों से चल रहे हैं इनका। आपके ब्रांड और इनका जो बनारस बीड़ी से बहुत ज़्यादा फर्क रहा होगा? बहुत फर्क है। इसमें स्वास्थ्य पे गलत असर पड़ेगा ही पड़ेगा। हम पूरा ये ध्यान देते हैं कि हम प्योर टोबैको डालें और ये लोग कुछ भी कचरा काड़ी डाल देते हैं। अगर आप इनकी बीड़ियाँ खोल के देखेंगे तो इसमें काड़ियाँ भी होती हैं, ये जितने भी डुप्लीकेट बनाने वाले हैं। साथ में इनका जो रख रखाव होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, जो बनाने के तरीके होते हैं वो भी अच्छे नहीं होते हैं, और जो तेंदुपत्ता ये लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी ख़राब होता है, जिसकी वजह से कुछ भी कचरा डाल के ये लोग बीड़ी बना के बेचते हैं। ये लोग सिर्फ इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि जो जिस ब्रांड की बीड़ी बिक रही है उस ब्रांड का हम नाम का इस्तेमाल करें और हमें पैसा मिल जाए बिना टैक्स पटाए, बिना सरकार को टैक्स दिए, और ये खुद नेता आदमी पार्षद रह चुके हैं और इस तरीके का काम करते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम जतिन मिरानी है। कौन से नाम? मैं गोलाबीड़ी कंपनी धमतरी से हूँ। गोलाबीड़ी को चलाने के लिए मैंने नियम क्या है? कोई भी आदमी पंजीयन करवाया करते क्या क्या होता है इसमें? नियम पंजीयन कुछ नहीं, ट्रेडमार्क होता है भाई। हमारा जो होलोग्राम लोगो है, कंपनी का लोगो हमारा रजिस्टर्ड किया हुआ है, 1953 का रजिस्ट्रेशन हमारा, मतलब उस साल से हम लोग गोलाबीड़ी बना रहे हैं 1953 से। कितने वर्कर रहते हैं हमारे यहाँ? काफ़ी सारे वर्कर हैं, करीब करीब 8-10 हज़ार वर्कर हैं। तो उसका पीएफ वर्क कटता होगा? पीएफ भी कटता है उनका, उनको हम ये जो हमारे यहाँ जितने भी स्टाफ हैं जो ऑफिस के मैनेजमेंट वाले। डोंगरगढ़ थाना पहुँचे, क्या मामला था? हम डोंगरगढ़ थाना इसलिए पहुँचे कि हमको गोंदिया में पता चला, हम गोंदिया में मनोहर बीड़ी से है, छोटा भाई जेठा भाई पटेल तो प्रोडक्ट कंपनी लिमिटेड से। यहाँ पर हमको पता चला कि नकली बीड़ी जोरदार हमारी मनोहर फोटो बिक रही है, और आज छापेमार कार्रवाई में बहुत सारा माल और लेबर रेपर वगैरह पकड़ा गया है। ये जो पकड़ा गया वो एक उचित और व्यवस्थित व्यक्ति है, उनका नाम बहुत प्रख्यात है, एक पार्षद है, मेंबर है अनिल साकरे करके, और देवेंद्र साकरे, देवेंद्र साकरे इनका पार्षद है, भूतपूर्व पार्षद, और इनके चलते हुए और इन्होंने ये ऐसे आदमी और इसे एक पार्षद का काम करते हुए डुप्लीकेट का धंधा करते, तो जनता की सेवा क्या करेंगे? जनता को खुद मार रहे हैं और सस्ती और घटिया बीड़ी दे देते हम, जबकि हमारी कंपनी इतने 28% GST भरती है, तंबाकू का जो पत्ते का 18% टैक्स भरती है, सब करने के बावजूद ये लोग बिल्कुल फ्री में इनके पास से, गरीबों के पास से बीड़ी बनवाते हैं, और सस्ते में हमारी ब्रांडेड बीड़ी जो है वो 360 रुपया पूरा है, तो ये लोग 260 रुपये पूरे में गांव में अलग अलग जाके मोटरसाइकिल पे जाके थैले में ला के बेच देते हैं। गांव वाले ये समझते कि एजेंट्स का माल है, एजेंट से आए हैं, और ये वो लोग भी बताते हैं एजेंसी वाले ही हम, और गाँव वाले माल खरीद लेते हैं, जिसके चलते वहाँ की जनता और पीने वाली जो पब्लिक है उनको बहुत घटिया माल मिलता है, बीमार भी होते हैं, खांसी भी होती है, और नाम हमारा बदनाम होता है। इसलिए इनके ऊपर उचित कार्रवाई करें, और मैं सोचता हूँ कि ऐसा काम करें कि ये लोग फिर से कभी ऐसी कोई कार्रवाई कर न सके, और कोई भी गलत काम करे उसको सजा मिलनी चाहिए।
चाहे वो कितना भी हो, छोटा हो या बड़ा, इनको छोड़ देने से ये लोग और बड़ा काम करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि इनको छोड़िए मत, इनको ऊपर उचित कार्रवाई करें और ऐसी कार्रवाई करें कि अगली बार भी। थाना डोंगरगढ़ में गोला बीड़ी का प्रोडक्शन करने वाले धमतरी की जो कंपनी है उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि इनकी कंपनी का नकली डुप्लीकेट बीड़ी यहाँ लोकल स्तर पर तैयार करके पैकिंग किया जा रहा है। इसकी सूचना पे दंतेश्वरी पारा पे आज रेड किया गया, तो वहाँ पे एक रविंद्र साकरे, पिता गेंदलाल, इनके द्वारा वहाँ पे गोला बीड़ी और मनोहर बीड़ी का पैकिंग का पैकेट का डुप्लीकेट करना पाया गया वहाँ पे मौके पे। इस पे धारा 318(4) BNS और कॉपीराइट अधिनियम 1999 की धारा 63 के तहत कार्रवाई की गई है।